फिर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि VBSPU जौनपुर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर परीक्षा 2023 बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सभी छात्र अंत तक बने रहेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर अपडेट पर हमारी निगाह बनी हुई है। और अभी मैंने आपको दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास एक वीडियो दिया था और उसमें सभी चीज़ों को बता दिया था और बता दिया था कि परीक्षा जो है वो टल सकती है और किसी भी समय मीटिंग हो जाएगा और फैसला आ जाएगा। तो अब आपके बीच फैसला भी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या है, पूरी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर कर देंगे, जिससे सभी अपडेटेड रहें और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। और कोई भी नोटिस वगैरह सबसे पहले पाना है एग्ज़ाम समय, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि कोई भी बदलाव कभी भी हो सकता है, इसलिए टेलीग्राम और चैनल से जुड़ कर रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, डिटेल में जानकारी हम लेते हैं। इसमें BA BSc BCom MA MSc MCom सभी छात्रों की बातें हम करने वाले हैं और जिसमें BA BSc BCom का पहला, तीसरा, पांचवा सेमेस्टर का टाइम टेबल 2023 जारी हो गया था और जो मुख्य कारण बना था एग्ज़ाम, पहले मैं बता दूं कुछ बातें, एग्ज़ाम फॉर्म डेट लगातार बढ़वाया गया। इतने दिन से फॉर्म भराया जा रहा था लेकिन बहुत से छात्रों ने फॉर्म नहीं फिल किया, इस वजह से यूनिवर्सिटी लगातार फॉर्म डेट बढ़ाती चली गई और उधर से शासन की तरफ से आदेश आ गया 15 दिन में एग्ज़ाम कराइए। बहुत चीज़ें हुई इस बीच में, तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए आ रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मीटिंग में कभी भी फैसला हो सकता है कि आपकी परीक्षा की तिथि जो है बदल दी जाए। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट हमको प्राप्त हो रही है, मैं आपको बता दूँ आपकी परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं, ठीक है, सभी छात्रों की, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर BA BSc BCom 21 नवंबर 2023 से होने वाली परीक्षाएं 2023 स्थगित कर दी गई हैं। जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसा इसलिए है कि फिर से एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म डेट बढ़ा दिया गया है, 20-21 तक का मैटर चला गया है, 20 तक फॉर्म भरना है, 21 तक वेरीफाइड कराना है। तो जब ये डेट बढ़ चुकी है तो आप समझ लें कि आपकी परीक्षाएँ 2023 स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट किसी भी वक्त आ सकता है, मैं इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत दूंगा। फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम डेट को स्थगित कर दिया गया है, 21 नवंबर 2023 वाला परीक्षा टाल दी गई है और कारण फिर से बना तो बना एग्जामिनेशन फॉर्म डेट को लेकर के, ठीक है। ये थी पूरी अपडेट, उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी, पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जुड़ जाइए, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दे दिया जाएगा।